खाने पीने के शौकीनों के लिए मध्य प्रदेश का खरगोन शहर लेकर आया है देसी कुल्लड़ पिज्ज़ा। इसे देसी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह मिट्टी से बने ग्लास नुमा कुल्लड़ में बनता है और ग्राहकों को परोसा जाता है। सेहत के लिए तो फायदेमंद रहता ही है, स्वाद में भी लाजवाब है। आपको बता दें कि खरगोन शहर के फेमस न्यू राधा वल्लभ मार्केट में द हैप्पी प्लेस नाम से यहाँ दुकान चल रही है। इस दुकान में मिलता है कुल्लड़ पिज्ज़ा। खासियत यह है कि यहाँ मैदे की नहीं बल्कि आटे की ब्रेड से पिज्ज़ा बनाया जाता है जो पूरी तरह हेल्दी होता है और इसीलिए इसे हेल्दी पिज्ज़ा भी कहा जा रहा है। दुकान संचालक वल्लभ महाजन बताते हैं कि खरगोन में पहली बार कुल्लड़ में खाने के आइटम बनाकर परोस रहे हैं। लोगों को हेल्दी फूड खिलाने के उद्देश्य को लेकर उन्होंने यहाँ शुरुआत की है। वल्लभ बताते हैं कि कुल्लड़ महंगा होता है इसीलिए उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता, लेकिन लोगों का स्वास्थ्य सही रहे उनके लिए यही काफ़ी है। वे बताते हैं कि कुल्लड़ पिज्ज़ा के अलावा कुल्लड़ मैगी, मैगी पिज्ज़ा, कुरकुरे चाट एवं सैंडविच पिज्ज़ा भी पूरे खरगोन शहर में केवल उन्हीं के यहाँ मिलता है। वहीं ग्राहक सौरभ नीमा का कहना है कि उन्होंने कई दुकानों पर पिज्ज़ा खाया है, लेकिन जब से उन्होंने यहाँ कुल्लड़ पिज्ज़ा खाया है तब से सिर्फ यहीं आते हैं। मेरा नाम है वल्लभ महाजन और मेरे कैफे का नाम है द हैप्पी प्लेस। ये खरगोन का सबसे फेमस मार्केट है, मतलब न्यू राधा वल्लभ मार्केट। हमारे यहाँ का कुल्लड़ पिज्ज़ा फेमस है, मतलब पूरे खरगोन में लोग मतलब कुल्लड़ पिज्ज़ा मतलब हमारे यहाँ खाने आते, दूर दूर से लोग आते हैं। मतलब आपके अलावा कुल्लड़ पिज्ज़ा नहीं, पूरे खरगोन में कोई नहीं, मतलब सिर्फ हमारे पास ही है। ये क्या कुल्लड़ पिज्ज़ा क्या है? मतलब कुल्लड़ पिज्ज़ा एक मतलब उसमें सारे वेजिटेबल वगैरह आते हैं, मतलब हेल्दी पिज़्ज़ा बोल सकते हैं। मतलब लोगों जैसे मतलब मैदे की ब्रेड पे पिज़्ज़ा दे रहे हैं तो अपने पास अपना वो आटे की ब्रेड का है, फिर उसमें जैसे कि सारे वेजिटेबल उसमें डालते, कॉर्न डालते, उसमें मतलब चीज़ डालता, बटर डालता, मतलब एक बोलो कि एक मतलब किसी को हेल्दी पिज़्ज़ा खाना हो तो वो हेल्दी पिज़्ज़ा है, कुल्लड़ पिज़्ज़ा। मैंने सोचा कि अपने खरगोन में जैसे कुछ हेल्दी चीज़ नहीं है, फिर सभी लोग जैसे मैदे का ब्रेड चला रहे हैं, फिर ऐसे जैसे, तो हमने सोचा कि अपन कैफ़े भी खोलते हैं, मतलब ये मेरा ड्रीम है। तो मैंने आज ड्रीम पूरा करा, मैंने सोचा कि अपन हेल्दी चीज़ के साथ में अपना ड्रीम पूरा करते हैं, तो बस यही कॉन्सेप्ट था मेरा। कुल्लड़ में देने के पीछे क्या रीज़न है? मतलब कुल्लड़ में देने का रीज़न ये है कि इंसान जैसे मतलब डिस्पोजल मतलब फिर मतलब कोई भी रहता है वो डिस्पोजल में सर्व करता है, डिस्पोजल प्लेट में सर्व करता है, तो अपना ऐसे अपन एक मिट्टी की चीज़ में सर्व करो, जैसे अपन मिट्टी से जुड़े हुए तो वो मतलब एक हेल्दी चीज़ हो जाती है, मिट्टी का जो आता है कुल्लड़। वो ऐसे फ्लेवर के आइटम आपके यहाँ मिलते हैं? हमारे पास लगभग 102 आइटम है टोटल मिला के। क्या नाम आपका? सौरभ नीमा। सौरभ जी, क्या ऑर्डर किया था? कुल्लड़ पिज्ज़ा बोला था अभी। कैसा रहा टेस्ट? बहुत बढ़िया, ऑसम टेस्ट, तो अच्छा टेस्ट तो बहुत अच्छा था। अभी चार पाँच जगह खाया है पिज़्ज़ा, कुल्लड़ पिज़्ज़ा भी यहीं पे मिल रहा है और टेस्ट भी बहुत ऑसम है। दीपक पांडे, लोकल 18, खरगोन।